अभी बिल्किस बानो का हमने केस देखा, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बावजूद भी उसके 11 जो बलात्कारी थे उनको छोड़ दिया सरकार ने। बलात्कारियों को बिल्कुल आपने सही कहा, संरक्षण दिया जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है, राजनीतिक हितों के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे ये किसने ये दिया? ये महिलाओं का काम बच्चे पालना है। अगर ऐसा होता तो झांसी की रानी ना बन पाती, क्योंकि हमारा असली दुश्मन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो अपराधों को बन पा रहा है। दिल्ली में एक छात्रा पर हुए एसिड अटैक को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ महिलाएं उतरी हैं और निर्भया से लेकर और अब तक हो रहे महिलाओं पर अत्याचार की आवाज उठाई जा रही है। मेरे साथ रितु इस वक्त मौजूद है। रितु, कौन कौन से संगठन हैं आज जो इस वक्त सड़क पर उतरे? आज आपने ठीक बोला कि ये जो दिल्ली में दो दिन पहले एक छात्रा के साथ एसिड अटैक की घटना हुई है, उसके खिलाफ आज हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। और आज निर्भया जो 2012 में घटना घटी थी उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। बहुत ही दुख की बात है कि उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए आज हमारा संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन NFIW और छात्र संगठन AISF, हम तीनों संगठन मिलकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2012 में जो घटना घटी थी हम लोग सभी गवाह हैं। यही जंतर मंतर पर हम लोग महीनों तक बैठे रहे थे और निर्भया का जो घटना घटी थी उसके खिलाफ और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा की मांग करने की थी हम लोगों ने, तो उनको फांसी तो दे दी गई है, लेकिन फांसी देना ही काफ़ी अपने आप में नहीं है। और एक घटना घटी उसके जो अपराधी हैं उनको फांसी दे दी गई, लेकिन बाकी जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जा रही है। इसी कारण से दिल्ली में दो दिन पहले जो एसिड अटैक हुआ, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका विरोध क्यों रही हैं? क्या कहाँ कमजोरी आ रही है? प्रशासन कमज़ोर है, सरकार कमज़ोर है, रोक लगाने में कमी आ रही है, या फिर ये जो बुलंद होती हैं आवाज़ें एहतजाज और प्रदर्शन की, ये कमज़ोर पड़ गई हैं? देखिए, आंदोलन की आवाज़ तो बहुत तेज होती जा रही है, लगातार प्रयास हो रहा है आंदोलन को तेज करने का, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जिसके बदौलत हम अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। अब क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैंने यही बताया जो कि अपराधियों को जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है, अभी बिल्किस बानो का हमने केस देखा, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बावजूद भी उसके 11 जो बलात्कारी थे उनको छोड़ दिया सरकार ने। इससे क्या हो रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, 2012 में निर्भया कांड तो हुआ ही था, उसके साथ ही छावला में एक और घटना हुई थी जिसमें उस बच्ची की मौत हो गई थी, सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके अपराधियों को भी सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया गया। हम देख रहे हैं कि कठुआ के अंदर एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के सपोर्ट में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। फिर कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस में जो एक बीजेपी के MLA हैं उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई, ये कोई हमें बता दे जरा। तो बलात्कारियों को बिल्कुल आपने सही कहा, संरक्षण दिया जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है, राजनीतिक हितों के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी की वजह से ही एसिड अटैक हो रहे हैं, उसी की वजह से जितने एसिड अटैक की घटना तो आपने देख ली, वो घटना कवर हो गई, वो घटना मीडिया में आ गई, लेकिन हजारों लाखों ऐसी घटनाएं रोज रोज महिलाओं पर क्राइम हो रहे हैं जो कि पता तक नहीं चलता है। लेकिन फर्क क्यों आ गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि निर्भया से लेकर बिल्किस बानो, बिल्किस बानो से लेकर आज भूमिका, फर्क क्यों आ गया? देखिए, फर्क कोई भी नहीं आया है, जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये तादाद बताती है कि फर्क है, कम लोग हैं। ये तादाद ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को लगातार बढ़ावा मिल भी रहा है। बात महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी कैसे? महिला विरोधी ऐसे कि देखिए, आज जो समाज में मानसिकता है वो पुरुष प्रधान मानसिकता है, और उसको प्रेशर जो दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो मनुवादी सरकार है, जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक घर की चार दीवारी के अंदर रहकर और उसको जो दूसरी उसकी जिम्मेदारियां हैं उससे
उनको समझा ही नहीं जाता है कि आंदोलन करना, अपने हकों के लिए आवाज उठाना, ये भी महिलाओं की जिम्मेदारी है। तो और महिलाएं उठा भी रही है, चाहे वो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन आपने देखा, किसान आंदोलन में आपने देखा, किसान आंदोलन जीतता क्या? अगर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में नहीं होती तो महिलाएं अपनी आवाज को उठा रही है, अपनी आवाज जो है वो उठाती जाएंगी। लेकिन ये सरकारें जिस तरीके का रवैया अपना रही है, किसान आंदोलन में आपने देखा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन में महिलाएं क्या कर रही हैं, उनका काम तो बच्चों को पालना है। अरे ये किसने कह दिया कि महिलाओं का काम बच्चे पालना है? अगर ऐसा होता तो झांसी की रानी ना बन पाती। अगर ऐसा होता तो प्रीतिलता वादेदार जैसी महिलाएं वो इसी देश की महिलाएं थी, यही जन्म लिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों से लेकर जो महिलाओं के प्रति जो बाइस मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, वो आज महिलाओं के विरोधी है। इसीलिए ये सारे जो चीजें हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है उसको जघन्य क्राइम ये नहीं समझा जाता, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। इसीलिए आज जरूरत है महिलाओं को इंसान समझने की, और हम सारी महिलाओं से भी अपील करते हैं कि अपने इंसान होने का फर्ज निभाएं, आंदोलन को मजबूत बनाएं, महिलाओं के बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं। क्या जरूरी है कि अब वो वक्त आ गया है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में सड़क पर एक बार फिर से उतरना पड़ेगा? शाहीन बाग हम लोगों ने देखा, क्या अब भी जरूरत है कि भूमिका जैसे मामले जो सामने आते हैं उनको लेकर भी सड़क पर उतरना पड़ेगा? जी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी से बड़ी तादाद में सिर्फ महिलाओं को नहीं, महिलाओं और पुरुषों, छात्र, नौजवानों, मजदूरों को, सभी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा असली दुश्मन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो अपराधों को बन पा रहा है, और इसके खिलाफ आवाज हम सबको मिलकर उठानी होगी। और हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो हम जरूर विजयी होंगे। आगे हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे गृह मंत्रालय को, महिलाओं पर जो क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ में, और फरवरी 14 फरवरी को इसी जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग हम लोग इसी इन्हीं समस्याओं को लेकर करने वाले हैं। पूरे देश के महिलाओं से हम अपील करते हैं कि 14 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। तो इस वक्त आपने सुना कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको तस्वीरें सीधी इस वक्त दिखा देता हूं कि यहां कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स भी हैं और एसिड अटैक के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, चाहे वो मामला हाथरस का हो या बिल्कीस बानो का मामला हो या उन्नाव की घटना हो। उसके बाद तमाम इस वक्त जो महिलाएं हैं वो एक रोष प्रदर्शन कर रही हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं और ये बता रही हैं कि आज जो एसिड अटैक दिल्ली की सड़कों पर हुआ है वो इसलिए क्योंकि उन दरिंदों को, उस तरह के लोगों को हिम्मत मिल गई बिल्कीस मामले में सजा न देकर और जल्द से जल्द रिहा करके, और उससे पहले जितने भी मामले हुए उसमें कोई पुख्ता सजा नहीं दी गई, इसलिए ये हालात बनते जा रहे हैं। मौजूदा सरकार को इस तरह के मामलों में फौरन एक्शन लेना होगा और सख्त से सख्त सजा देनी होगी, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ।